हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस्ट पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डारबोक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ डारबोक्स थ्योरम, या पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ डारबोक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव, या स्टेट एंड प्रूफ डारबोक्स थ्योरम फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग डारबोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, डारबोक्स थ्योरम का प्रूफ को देखेंगे। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि डारबोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता क्या है। इसको समझने से पहले थोड़ा प्रीवियस का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा आप लोग, जहां पे मैंने रॉल्स थ्योरम बताया है। ठीक, फिलहाल आइए, कुछ उसी के जैसा ये भी है इसलिए मैंने कहा है ना, हालांकि यूजेस नहीं है। चलिए आइए इसमें समझते हैं क्या बात है। कह रहा है डारबोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, जो ध्यान ये भी रहना चाहिए स्टूडेंट कि डारबोक्स थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस भी होता है। फिलहाल ये क्या है, डारबोक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव है। देखिए स्टेटमेंट क्या है जी, कि इफ अ फंक्शन एफ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, एफ का मतलब वही एफ एक्स है। If a function f defined on closed interval a b is such that कि वो function इस तरीके से define है कि पहला बात कि function क्या है, differentiable है closed interval a b पर, कि function f जो है differentiable है। differentiable है मतलब वो continuous भी होता है ना। फिर अगर differentiable कोई function होता है तो वो continuous होता ही है, understood है। तो पहला बात कि function differentiable है, दूसरा बात कि दोनों end point पर function का sign opposite है, f dash a और f dash b are of opposite sign। f dash a मतलब समझ रहे हैं कि ए पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब जो स्लोप आएगा, अगर वो स्लोप इंक्रीजिंग है तो अगले वाले पर डिक्रीजिंग होगा। क्या थोड़ा सा डायग्राम पे भी चलते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बोला गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए से बी तक जो भी पॉइंट्स है। तो डिफरेंशिएबल है मतलब पक्का स्मूथ कर्व रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो स्मूथ कर्व रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा ऐसे। आप बोलोगे सर ऐसे ही क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक और पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ ए पॉइंट पर जो होगा ना, ए पॉइंट पर जो स्लोप है, ए पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है वो अगर इंक्रीजिंग है तो इस पर डिक्रीजिंग होना चाहिए। इस तरीके से कि अगर इस पॉइंट पर स्लोप अगर ऐसे है तभी ना बोल सकते हैं कि देखिए आपको पता होना चाहिए ए पॉइंट पर अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है तो एक पर नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर नोटिस करिए, ये स्लोप ऐसा है तो ये नेगेटिव स्लोप कह सकते हैं, और बी पर देखेंगे तो यहाँ पे बी पे ये कुछ इस तरीके से स्लोप है ऐसे। तो देखिए इसका स्लोप और इसका स्लोप अपोजिट साइन का हो गया, स्लोप मतलब वही एफ डैश ए एफ डैश बी। या दूसरे शब्द में बोलेंगे तो एक तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दूसरे तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। आइए फिर से वापस आते हैं कि पहला एक फंक्शन डिफाइंड था ए बी पर और इस तरीके से था कि फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी बात कि दोनों एंड पॉइंट पर आर ऑफ अपोजिट साइन है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपोजिट साइन का है, तब बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल ए बी से एक पॉइंट सी मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा कि उस फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। ऑब्वियस है कि अगर ऐसा स्थिति होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा इस स्थिति को, अगर ऐसा स्थिति होता है कि फंक्शन डेरिवेटिव है पूरा ए से बी पर डेरिवेटिव है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर स्लोप जो है वो अलग अलग साइन का है, मतलब कह सकते हैं डेरिवेटिव इस तरीके से है कि स्लोप एक में फंक्शन का इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियस है भाई कि बीच में एक पॉइंट जरूर इधर कहीं ना कहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे सबसे बड़ा हाइट दे रहा हो, और इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पे जब स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का तो वो क्या आ जाएगा, एक्स के पैरेलल आ जाएगा, ताकि यहाँ पे स्लोप जीरो हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी जो होगा स्टूडेंट वो जीरो हो जाएगा, तभी ना उस डेरिवेटिव जीरो, मतलब जो स्लोप आएगा टेंजेंट आएगा उसका स्लोप जीरो, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, इसी के ऊपर यहाँ पे बात किया गया है। देखिए कैसे, क्या बोला गया है कि f कोई फंक्शन डिफाइन है ab पर और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरे ab पर, f of a और f of b जो है f dash b जो है वो r of opposite side है, तब बोला गया कि एक पॉइंट ओपन इंटरवल में मिलेगा c, ओपन इंटरवल ab में c एक पॉइंट मिलेगा जिस तरीके से मिला कि उस पर डेरिवेटिव फंक्शन का जीरो होगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। चलिए करते हैं कुछ बातें यहाँ पे, प्रूफ करते हैं कि हम ओपन इंटरवल ab में एक पॉइंट ढूंढेंगे c और इस तरीके से ढूंढेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रूफ लिख रहा है कि सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, चूंकि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल ए बी पर तो देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस ऑन ए बी। भाई डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होती इंप्लाई करता ही है। अच्छा कि एफ एक्स हो गया कंटीन्यूअस ए बी पर होगा, और अगर कंटीन्यूअस है जी तो हेंस इट इज बाउंडेड ऑन ए बी एंड इट अटेन इट्स बाउंड्स। क्या मतलब हुआ जरा समझिए इसको, कि अगर फंक्शन ए से बी पर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा मतलब कि यहां से यहां तक जो होगा कोई एक सबसे छोटा वैल्यू और कोई एक सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा जिसके बीच में सारे फंक्शन का वैल्यू होंगे, क्लियर। और बाउंडेड होने का मतलब है कि एक
कैपिटल एम सुप्रीमम मिलेगा और स्मॉल एम इंफिमम जरूर मिलेगा इसी के बीच। इंफिमम का मतलब कि फंक्शन का सबसे बड़ा हाइट, और सुप्रीमम का मतलब फंक्शन का एक ऐसा हाइट जिससे सारे फंक्शन के वैल्यू छोटे हो, जैसे यहाँ पे मिल रहा है सुप्रीमम, और इंफिमम यहाँ पे मिल रहा है कि भाई ये सबसे छोटा हाइट फंक्शन का, ये सबसे बड़ा हाइट है। तो वही समझाने का अर्थ है यहाँ पे कि अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस होने से क्या होता है, बाउंडेड होता है। बाउंडेड होने से उसी ए बी के अंदर दो पॉइंट जरूर मिलेगा कि एक पॉइंट पर सबसे बड़ा वैल्यू सुप्रीमम आ जाए फंक्शन का, और एक पॉइंट सबसे छोटा वैल्यू आ जाए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि लेट एम कैपिटल एम इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ। कैपिटल एम क्या है, मान के चलते कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम है फंक्शन का। सुप्रीमम को भी कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ। सुप्रीमम ऑफ एफ का ये चाहे लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ का एक ही बात है और क्या। एंड स्मॉल एम इक्वल टू इनफिमम ऑफ एफ का ये चाहे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ का एक ही बात है ऑन ए बी। मतलब ये जो कैपिटल एम सुप्रीमम लिया हमने, स्मॉल एम को इनफिमम लिया, किसका, एफ का, किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब भाई आप बताइए यहाँ पे जो कैपिटल सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सुप्रीमम इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग सुप्रीमम इस पॉइंट पे मिल रहा होगा सबसे बड़ा हाइट। मतलब ये जो कैपिटल एम मिल रहा है कुछ और नहीं है बल्कि सी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू है, और सबसे छोटा हाइट कहाँ मिल रहा है, इसी में किसी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिल रहा होगा, तो कहीं तो मिल रहा होगा। तो वही चीज बताया गया है कि हम मान के चलते हैं जी कि लेट सी कॉमा डी दो पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, इस तरीके से है सच दैट कि एक पॉइंट पर सुप्रीमम एक पॉइंट पर इनफिमम मिल रहा है। दिस इज रिलेशन नंबर वन, हमने ये नाम दे दिया, क्लियर। देखिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन के थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखिए कि क्या थर्ड सेकंड नंबर में दिया है कि एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइड। ये जो एफ डैश ए है और एफ डैश बी है वो अपोजिट साइन का है, तो हम वही चीज यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि सपोज एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश बी लेस देन जीरो। एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो मतलब देखिए डायग्राम बताते हैं आपको, एफ डैश ए पॉजिटिव साइन का है, मतलब ये जो है पॉजिटिव, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देख लीजिए ऑब्वियस फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय डेरिवेटिव जीरो होता है, सॉरी डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, याद करिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव इस पॉइंट पर नेगेटिव, मतलब इधर फंक्शन क्या है बी के जस्ट आसपास में जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, इस तरीके से ये हमने कंसिडर करा है अभी तक। तो अभी तक हमने क्या करा है, फिर से एक बार बात सुन लीजिएगा कि चूंकि इनफिमम सुप्रीमम दो पॉइंट पर मिल रहा था तो हमने वो दो पॉइंट का नाम क्या दिया, सी और डी कोई दो पॉइंट है जिस पर एक पॉइंट पर सुप्रीमम आ रहा है एक पॉइंट पर इनफिमम आ रहा है, दिस इज रिलेशन नंबर वन। उसके बाद आगे बढ़ गया और बोले क्या कि सपोज कि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव, हम एक केस लेके चल रहे हैं। आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला डेरिवेटिव ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो सकता है, एक केस अभी हम लेके चल रहे हैं, दूसरा केस प्रूफ करेंगे। जैसे आप बोलना चाह रहे थे ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा हो जाता, देखिए ऐसा कुछ ग्राफ हो जाता, लीजिए इस पॉइंट पर डेरिवेटिव देखिए ऐसा है डिक्रीजिंग नेगेटिव है ये पॉइंट पर और ऐसे इधर पॉजिटिव है, तो ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता था। तो एक के लिए प्रूफ करते हैं, दूसरा के लिए सिमिलरली लिख देंगे एक लाइन। देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि सपोज एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश बी लेस देन जीरो, ठीक। नाउ एफ डैश ए अगर ग्रेटर देन जीरो है स्टूडेंट, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जी कि अगर एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो है तो ए के आसपास जो भी नेबरहुड बनेगा उधर फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ पे कि ए के आसपास जो भी नेबरहुड बनेगा उधर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। मतलब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए मान लीजिए यहाँ से ए से ए प्लस डेल्टा वन एक नेबरहुड बनाते हैं, आप ए से आगे तक का एक नेबरहुड बनाते हैं, ए से आगे तक का नेबरहुड बनाते हैं, मतलब ए से बड़े के लिए, तो उस केस में जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ऑफ ए से, आप कुछ और इधर से कुछ भी एक्सपुट करेंगे तो उससे बड़ा बराबर होगा एफ एक्स। कैसे हुआ थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए फंक्शन चूंकि मैंने क्या कहा कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो हमने क्या एक नेबरहुड बना दिया ए से यहां तक, इधर से कुछ भी एक्सपोर्ट करिए फंक्शन के अंदर तो जो आएगा वो एफ ऑफ ए से बड़ा आएगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि बड़े पर बड़ा वैल्यू, देखिए इसको लिखा कैसे गया है कि नाउ एफ डैश से ग्रेटर देन जीरो, अगर लिखा हुआ है कि एफ डैश से ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा।
फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जितने एक बार फिर से समझिए, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो मान के चलिए कि वो डेल्टा वन इस तरीके से मिल रहा है कि ए से यहाँ ए प्लस डेल्टा वन हम यहाँ तक बनाते हैं, छोटा इधर इधर सिर्फ नेबरहुड ले रहा है, तो क्या कर रहे हैं, ए से बड़े तक का एक छोटा हिस्सा ले रहा है, नेबरहुड बना रहे हैं, ए से कहाँ तक का, ए से ए प्लस डेल्टा वन तक का हम एक नेबरहुड बना रहे हैं जी, क्लियर यहाँ तक। अब आप ही लोग बताइए कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है कि जो मान लीजिए यहाँ एफ ऑफ ए और इसी इंटरवल से अगर हम कोई एक्स पुट करें और उस समय एफ एक्स बनाए, तो ऑब्वियस एफ एक्स क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि ए से बड़ा है ना, तो ए से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा होगा, इंक्रीजिंग का काम होता है कि ए और ए प्लस डेल्टा वन क्या है, ए से बड़ा का ही इंटरवल बता रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू इधर से अगर एक्स लेकर पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए से बड़ा हो, तो वही चीज को यहाँ पे समझाया गया है क्या कि नाउ एफ डैश से ग्रेटर देन जीरो अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो, एक डेल्टा वन जरूर मिलेगा इस तरीके से, सच दैट कि एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए प्लस डेल्टा वन, ए से ए प्लस डेल्टा वन, मतलब समझे, वो ए से ए प्लस डेल्टा वन में से कोई भी आप एक्स लीजिए, एक्स बिलोंग टू ए प्लस ए से ए प्लस डेल्टा वन, इधर से आप कोई भी एक्स लीजिए तो जो एफ एक्स बनेगा वो एफ ए से बड़ा होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से, क्लियर। चलिए अब ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट अब डिक्रीजिंग वाला भी बात कर लेते हैं, ये बड़ा ही लॉजिकल चीज है, इस लाइन को समझना है यहाँ पे, ठीक है, ये अगर समझ गए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए और आगे बढ़ाते हैं, अब क्या मैंने यहाँ पे कहा कि चूंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है जी, इसको समझिएगा, चूंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा था, हमने ये वाला हिस्सा करा था जी, हमने इसको बात को समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या करा था कि अगर चूंकि इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक डेल्टा वन जरूर मिलेगा, जिधर क्या उस रेंज में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग का मतलब होता है, थोड़ा सा बता दें आपको, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि अगर ए से बड़ा या बराबर बी लेते हैं और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बड़े पर बड़ा वैल्यू आएगा, बड़े पर बड़ा वैल्यू आएगा, बड़े या बराबर पर बड़ा या बराबर वैल्यू आएगा, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग के लिए जस्ट उल्टा कि जितना आगे वाला वैल्यू लेंगे उतना फंक्शन का वैल्यू छोटा होता जाएगा, तो ये तो बात आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या है जी, अब बी पॉइंट पे क्या है, थोड़ा फंक्शन का वैल्यू डिक्रीजिंग है, इधर बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो आप एक बात बताइए, अगर बी यहाँ पे और हम बी से यहाँ ले ले, बी प्लस डेल्टा टू ले ले, कोई दूसरा रेंज का दूसरा रेंज ले लेते हैं बी प्लस डेल्टा टू, तो आप देखिए ना, अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे फंक्शन का वैल्यू छोटा आना चाहिए, मतलब आप इधर से एक्स लेंगे ना तो एफ ऑफ बी से क्या होगा, वो एक्स छोटा होगा, अगर आप यहाँ का एक्स लेते हैं बी से बी प्लस डेल्टा टू में लेते हैं, मतलब समझिए कि चूंकि फंक्शन इधर डिक्रीज कर रहा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फंक्शन का वैल्यू छोटा होता जाएगा, मतलब बी से बी प्लस डेल्टा टू की तरफ से अगर आप लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स जो होगा वो एफ बी से छोटा होगा, एफ बी से छोटा होता जाएगा, आप ग्राफ भी देख लीजिए, ठीक। अब इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, ये तो बात समझिए, अगर इधर से लेंगे तब, लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप इधर से लिए बी माइनस डेल्टा टू से लीजिए, बी से बी माइनस डेल्टा टू, इधर अगर रेंज बनाते हैं स्टूडेंट, इधर अगर रेंज बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर से लेंगे तो क्या है, बी से सब कम वैल्यू है ना, तो बी से कम वैल्यू तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो बात को समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे कि अगर एक्स बी से बी माइनस डेल्टा टू की तरफ लेते हैं, इस वाले केस में हम रेंज इधर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे पता है, क्योंकि हमको इंटरवल के अंदर रहना है, जैसे इस वाले केस में क्या है, ए से ए प्लस डेल्टा टू वन इधर बनाए थे और जैसे बी से बी माइनस डेल्टा टू बनाएंगे, तो आप बताइए जब इधर से आप कोई रेंज लेंगे तो क्या होगा, बी से सबका सब बड़ा होगा, मतलब अपोजिट होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, आप बी से छोटे की तरफ से रेंज बना रहे हैं, बी से बी माइनस डेल्टा टू की तरफ रेंज बना रहे हैं, तो जो भी फंक्शन का वैल्यू होगा वो जो भी एफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा एफ बी से, आप इस यहाँ डायग्राम से समझिए कि बी का वैल्यू यहाँ पे है और इसे पीछे का आप लेंगे, चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इधर से आप पीछे का लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू बड़ा आएगा, बी से छोटा वैल्यू ले रहे हैं फंक्शन का वैल्यू, लेकिन बी एफ बी से बड़ा होगा डिक्रीजिंग, इस वजह से आप डायग्राम से समझिए, इधर वैल्यू ले रहे हैं ऐसा होगा, तो हमने दो काम करा, ए के लिए ए प्लस डेल्टा वन बनाए थे, बी के लिए बी माइनस डेल्टा टू का हम इंटरवल बना रहे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, ये दोनों बस समझना है आपको, क्या यहाँ पे बोला हमने, चूंकि हमने सपोज करा था एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो हमने माना था, एफ डैश बी लेस देन जीरो हमने माना था, तो ग्रेटर देन मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है ए के आसपास, तो हमने वही बोला कि एक डेल्टा वन जरूर रेंज मिलेगा, कि ए प्लस डेल्टा वन के रेंज में अगर लेंगे एक्स तो एफ ए से बड़ा होगा, तो एफ ए से बड़ा होगा एफ एक्स, दिस इज रिलेशन नंबर टू, क्यों भाई, सिंस एफ इज इंक्रीजिंग, चूंकि फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग था इस वजह से। नेक्स्ट आइए, सिमिलरली एफ डैश बी अगर लेस देन जीरो है, ये वाला केस लेके चल रहे हैं, मतलब ये दोनों ही लेके चले, एफ डैश बी अगर लेस देन जीरो है तो एक डेल्टा टू मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि बी माइनस डेल्टा टू से बी तक लेंगे, देखिए
बी माइनस डेल्टा टू से बी तक, बी माइनस डेल्टा टू से बी तक अगर आप लेंगे तो उस केस में एफएक्स जो होगा बड़ा होगा, डिक्रीजिंग है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, बी माइनस डेल्टा टू से बी ले रहे हैं, मतलब बी से छोटा ही है वैल्यू, लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ बी से बड़ा होगा, जो कि उल्टा होगा, जस्ट छोटे पर फंक्शन का वैल्यू बड़ा होगा। देख लीजिए यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बी माइनस डेल्टा टू से ये लेंगे, बी से छोटा है ना, लेकिन जैसे जैसे जितना छोटा लेंगे उतना फंक्शन का वैल्यू बड़ा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इस वजह से। तो इस तरीके से बातें थी यहाँ पे, है क्लियर। देखिए तो वही हमने कहा है कि देयर इज डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट, और इस तरीके से मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस इज रिलेशन नंबर थ्री, क्लियर। अब क्या करते हैं, ये सब बातें तो ठीक, ये सब हमने क्या करा है अभी तक, हमने सिर्फ ये करा कि चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड है तो बाउंड को एग्जिस्ट करेगा, और बाउंड हमने कैपिटल एम और स्मॉल एम दो लिया, और हमने मान दिया कि सी पॉइंट पर क्या है, सुप्रीमम है, डी पॉइंट पर इनफीमम है। अब ये जो सी पॉइंट पर जो सुप्रीमम आया है स्टूडेंट, ये सी पॉइंट अब हम दिखाने जाएंगे कि ये जो सी पॉइंट है वो ए और बी एंड पॉइंट पर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये खुद भी आप समझिए, देखिए देखिए आप खुद भी समझिए कि सी पॉइंट जो हमने बोला है कि सी पॉइंट पर फंक्शन का सुप्रीमम है, सबसे बड़ा वैल्यू है, ये सी पॉइंट ए और बी के बराबर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सी पॉइंट यहां होगा तो आप बताइए यहां तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो तुरंत ही इससे बड़ा मिल जाएगा, तो ये सुप्रीमम कैसे हो पाएगा, समझे। सी पॉइंट क्या था, फंक्शन का सुप्रीमम देने वाला काम कर रहा था, सी पॉइंट पर फंक्शन का सुप्रीमम मिला, तो क्या ये सी यहां हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहां जैसे हो तो इससे बड़ा तो तुरंत बगल में मिल रहा है, तो सी तो सुप्रीमम यहां नहीं मिल सकता। क्या ये सुप्रीमम यहां मिल सकता है, नहीं, क्योंकि इससे तुरंत बड़ा फिर इधर मिल रहा था। तो यही अब हम दिखाएंगे, जो सी पॉइंट जिसमें सुप्रीमम मिल रहा है वो बीच में कहीं इधर होगा और सबसे ऊपर टॉप पे होगा वो। ये अब हम प्रूफ करेंगे कि जो सी पॉइंट है ए और बी के अलावा है, तो वही लाइन हम जल्दी से यहाँ पे देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि वी शैल शो दैट ये जो सी है जिसपे सुप्रीमम मिल रहा था इसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा, आगे हम दिखाएंगे आपको। वी शैल शो दैट वी के वहां पे लिख दिया नाउ वी शैल शो दैट, है ना। देखिए नाउ वी शैल शो दैट कि सी जो है वो ए से भी डिफरेंट होगा और सी जो है बी से भी डिफरेंट होगा, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं हम, और डायग्राम से तो आप समझ ही सकते हैं किसी पक्का यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ होगा तो बगल में है तो ये सुप्रीमम कैसे होगा, यहाँ होगा तो इससे बड़ा तुरंत बगल में मिल जाएगा तो यहाँ भी सुप्रीमम कैसे होगा। तो यही हम दिखाने वाले कि सी जो है ए और बी से डिफरेंट है। तो देखिए नाउ वी शैल शो दैट सी जो है ए से डिफरेंट है एंड सी इज डिफरेंट फ्रॉम बी। तो कैसे दिखाएंगे, तो आप खुद से ही मान के चलिए ना कि चलिए जी कि अगर आप सी ए के बराबर ले लेंगे, आप अगर सी आप ए के बराबर ले लेंगे मतलब यहीं पर आप सी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बगल में उससे बड़ा हो जाएगा, तो क्या ये सुप्रीमम रह जाएगा फिर, नहीं। इसी को जैसे समझाया गया है इफ सी इज इक्वल टू ए देन एफ डैश ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू ए, और अभी तुरंत बोला गया था कि इस पॉइंट पर तो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, देन अकॉर्डिंग टू टू, तो रिलेशन नंबर टू क्या कहता है, एफ ऑफ ए से बड़ा होगा एफ एक्स, एफ ऑफ ए से बड़ा होगा एफ एक्स, एफ ऑफ ए मतलब अब एक जब तो सी है तो एफ ऑफ सी से बड़ा होगा कुछ, तो क्या ये कभी पॉसिबल है कि एफ ऑफ सी से कोई बड़ा हो जाए, क्योंकि एफ ऑफ सी तो सुप्रीमम था, उससे बड़ा कोई कैसे हो सकता है, नहीं समझे। अभी देखिए अभी तुरंत हमने ए के जगह पर सी माना है कि ए के जगह पर सी हो जाए तब क्या होगा, तो एफ ऑफ सी से बड़ा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या ये पॉसिबल है, वही लिखा हुआ है हमने, हमने बोला कि अगर सी के जगह पे आप ए दे देंगे और इस पॉइंट पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो था देन अकॉर्डिंग टू टू कि एफ ऑफ सी से एफ ऑफ ए से बड़ा एफ एक्स था ना रिलेशन टू में, रिलेशन टू में एफ ए से बड़ा एफ एक्स था तो ए के जगह पर सी होगा तो एफ सी से बड़ा एफ एक्स हो जाएगा यहाँ के सभी वैल्यू के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, कि एफ ऑफ सी मतलब सुप्रीमम, सुप्रीमम से कोई बड़ा हो जाए क्या पॉसिबल है, नहीं। Which contradict the fact that supremum of f equal to m, ये तो contradict करने लगा कि ये supremum है, supremum होने ही नहीं देगा फिर तो, अगर supremum है तो कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब ये contradiction है, इसका मतलब जो हम मान के चल रहे थे कि c is equal to a वो गलत है, c a के बराबर नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि c अगर a के इक्वल है तब तो contradiction मिलने लगा, तो hence c is not equal to a। Similarly we can show that अगर इसी तरीके से हम c b के जगह पे मानेंगे, देखिए डायग्राम यहाँ पे अगर लेंगे तो भी इधर बड़ा हो जाएगा, तो ये हमने कहा कि सिमिलरली इट कैन बी शो दैट बाय थ्री दैट सी इज डिफरेंट फ्रॉम बी, कि सी जो है बी से अलग होगा इस तरीके से, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या दिखा दिया, अभी तक हमने ये दिखाया कि दस वी हैव, हम ये दिखा दिए जिस पॉइंट पर सुप्रीमम मिल रहा था वो पॉइंट ए से बड़ा है और बी से छोटा है, दैट इज, इसको हम ऐसा एक लाइन और लिख सकते हैं कि दैट इज C belongs to open interval AB, students.
सी जो है वो ओपन इंटरवल ए बी के बीच का है वो पॉइंट। अरे बस समझ में, मतलब क्योंकि भाई सी ए के बराबर हो नहीं सकता, सी बी के बराबर है नहीं, तो सी क्या है, ओपन इंटरवल ए बी है, मतलब सी ए से बड़ा और बी से छोटा है। क्लियर? तो क्या अब हम लेके चलते हैं और थ्योरम से यहाँ पे हो जाएगा प्रूफ। कैसे, जरा ध्यान से समझना है, तो आप बिल्कुल समझिए ध्यान से कि सी पॉइंट हमने दिखाया कि सी यहाँ नहीं हो सकता, सी यहाँ नहीं हो सकता, सी कहाँ होगा, ए और बी के बीच में होगा, हो सकता है यहाँ पे हो यहाँ पे हो, तो जो भी होगा वो पॉइंट में सुप्रीमम देने वाला है और उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा। अभी हम प्रूफ भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ सी क्या था जी, ए से बड़ा और बी से छोटा था ना। तो आपको एक चीज हम बताते हैं, जैसे मान के चला जाए कि एक नंबर है दो, दो से बड़ा कौन होता है तीन, और फिर इससे बड़ा है चार, मान लीजिए दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार। आपको पता है कि एक नंबर, आप एक पॉजिटिव नंबर जरूर ढूंढ सकते हैं, आप कितना भी क्लोज आपस में लीजिए कि एक पॉजिटिव नंबर जरूर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट वन, पॉइंट वन एक ऐसा नंबर है कि जैसे यहाँ पे थ्री है ना, थ्री में से अगर हम उसको घटा भी दे, थ्री में से पॉइंट वन घटा भी दे तो भी इससे बड़ा रहेगा। देखिए दो से बड़ा तीन था, अगर इस तीन में से हम पॉइंट वन को घटा भी दे तो भी जो बनेगा वो इससे बड़ा है। अच्छा, और फिर थ्री एज इट इज, और फिर थ्री में उस पॉइंट को जोड़ भी दे तो भी चार से छोटा रहेगा। मेरे कहने का अर्थ ये स्टूडेंट कि दो से बड़ा तीन था, तीन से बड़ा चार था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉजिटिव नंबर जरूर मिलेगा कि आप उसको इसमें से घटा देना तो भी इससे बड़ा ही रहेगा। अभी देखिए दो से बड़ा तीन है तो उसको अगर घटा देंगे पॉइंट वन को तो भी जो आएगा वो भी बड़ा रहेगा, और जोड़ भी देंगे तो भी इससे छोटा ही रहेगा। तो हम वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे सी क्या था, ए और बी के बीच का था। तो हम बोल रहे कि दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सम एच बिलोंग टू जीरो, कि एक कोई क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी जरूर मिलेगा, और इस तरीके से वो क्वांटिटी मिलेगा कि सच दैट कि उस क्वांटिटी सी में से अगर सी में से कर भी देंगे तो भी ऐसे बड़ा रहेगा, और जोड़ देंगे तो भी बीच से छोटा रहेगा। इस वाले एग्जाम्पल जैसा आप समझ सकते हैं कि तीन था तो 0.1 मिलेगा या 0.2 भी मिल सकता है, यहाँ पे जितना डिफरेंस है उस हिसाब से एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल ही जाएगा। आप कितना भी नजदीक ले लीजिए, बीच में जरूर एक घटा देंगे तो भी बड़ा ही रहेगा। वही हमने कहा यहाँ पे कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी एच जरूर मिलेगा कि सी में से एच घटा भी देंगे तो भी ऐसे बड़ा रहेगा, जोड़ देंगे तो भी से छोटा रहेगा। अब हम क्या लेके चलते हैं स्टूडेंट, जरा फंक्शन को ध्यान से समझिएगा। क्या था फंक्शन, इस साइड तो इंक्रीजिंग फंक्शन था जी, और इस साइड फंक्शन डिक्रीजिंग था। सी के इधर की बात करें तो फंक्शन इंक्रीजिंग था, इधर डिक्रीजिंग था, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। हालांकि फिलहाल हम चलिए इसको कैसे लेके चलेंगे, देखिए ऑल्सो अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं क्या, एफ सी क्या था जी, सुप्रीमम था ना। मतलब कुछ भी एक्सपोर्ट कर दीजिए फंक्शन से, एफ सी क्या है, सुप्रीम है, मतलब फंक्शन का वैल्यू हमेशा बड़ा है। तो चाहे आप इधर से पुट करिए चाहे इधर से पुट कीजिए, एफ सी हमेशा बड़ा होगा। इस डायग्राम के थ्रू समझिए, सी क्या है, सुप्रीमम दे रहा है, एफ सी सुप्रीमम दे रहा है, तो इधर से कुछ वैल्यू पुट करिए तो भी एफ सी बड़ा होगा, और इधर से कुछ बड़े पुट करिए तो भी एफ सी बड़ा होगा, क्योंकि फंक्शन सुप्रीमम है सी पर। ये बात समझे, एक सब कुछ भी पुट करिए तो ये सुप्रीम, चूंकि सुप्रीमम है इस वजह से हर एक एक्स के लिए ग्रेटर देने को होगा। तो अब हम नाउ लेते हैं इन पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक के लिए एफ सी बड़ा होगा, सुप्रीमम होगा। तो अब इस पर्टिकुलर इस वाले केस में लेके चलते हैं कि अगर आप एक्स यहाँ से पुट करेंगे सी माइनस से सी तक तो क्या होगा, एफ सी बड़ा होगा। तो क्या स्टूडेंट अगर हम ये बोल दें कि एफ सी माइनस एच पर और एफ सी पर कौन बड़ा होगा, क्योंकि फंक्शन इस पर सुप्रीमम दे रहा है जी, तो हम क्या लिख सकते हैं इन पर्टिकुलर, एफ सी माइनस एच से बड़ा बराबर एफ सी होगा, क्योंकि एफ सी क्यों होगा, क्योंकि एफ सी सुप्रीमम है और एफ सी माइनस एच इससे पीछे है। जो भी है ये सुप्रीमम तो हमेशा बड़ा बराबर होगा, एफ सी माइनस एच से बड़ा बराबर एफ सी, और उस तरीके से एफ सी प्लस एच से करेंगे तो भी बड़ा बराबर एफ सी होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सुप्रीमम है, तो इधर से भी पुट करिए तो क्या होगा, यही ना बड़ा होगा, सुप्रीमम वाला बड़ा होगा। एफ सी माइनस एच से बड़ा बराबर एफ सी एंड एफ सी प्लस एच से बड़ा बराबर एफ सी। क्लियर, इसको और थोड़ा ले आइए, इसको इधर कर दिया तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन इक्वल जीरो, एफ सी प्लस एच इसको इधर कर दिया माइनस एफ सी लेस देन इक्वल जीरो। अब इधर क्या करते हैं, माइनस एच का डिवीजन करते हैं दोनों तरफ, तो जैसे ही माइनस एच का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन इन लेस देन इक्वल से ग्रेटर देन इक्वल बदल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एच का डिवीजन करते हैं एच का, तो जो साइन है वही रहेगा। टेकिंग एच टेंस टू जीरो वी गेट, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो ले लेते हैं हम, तो क्या आएगा जी स्टूडेंट आप बताइए। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इसी प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जब डिफरेंसिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी माइनस एच से सी की ओर जा रहे हैं हम लोग। देखिए तो सी माइनस एच में एच टेंस टू जीरो कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं नंबर लाइन पे, थोड़ा समझिए। यहाँ सी है तो सी माइनस एच इधर होगा कहीं पे और सी प्लस एच इधर होगा कहीं पे, और अगर C टेंस टू जीरो करा रहे हैं इस ओर से, C माइनस एच से जा रहे हैं, तो क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप
सी माइनस एच से और एच टैंड टू जीरो करा रहा है तो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड एफ डैश सी या एल ऑफ एफ डैश सी बोल सकते थे। ये क्या आ गया, जैसे ही इसमें आप लिमिट लेंगे एच टैंड टू जीरो तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ सी, मतलब सी पॉइंट पर कौन सा डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यहाँ पे एच टैंड टू जीरो लेंगे, एच टैंड टू जीरो मतलब सी प्लस एच से जीरो सी की ओर आ रहा है, राइट से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इधर वाला, जब जैसे लिमिट लेंगे तो इधर राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी विच इज लेस देन इक्वल जीरो। क्लियर, यहां तक तो सब बच्चों क्लियर होगा कि जैसे इधर लिमिट लिए तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन गया सी पॉइंट पर और ये बन गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल जीरो। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, शुरुआत में क्वेश्चन क्या दिया था, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल दिया हुआ था, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों अलग अलग हो, क्योंकि फंक्शन बोला गया सिंस एफ इज डेरिवेबल ऑन ए बी, क्योंकि फंक्शन तो डेरिवेबल है डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, सी पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थ्योरम्स में ही बोला गया था कि हर एक पॉइंट पर डेरिवेबल है तो सी पॉइंट पर भी डेरिवेबल होना चाहिए था। तो हम वही आगे लिखेंगे कि चूंकि सिंस एफ इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी तो देयरफॉर एफ डैश सी एग्जिस्ट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सी पॉइंट पर इक्वल होगा, और ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब दोनों इसका वैल्यू जीरो हो जाए और इसका भी वैल्यू जीरो हो जाए, तभी ना दोनों इक्वल होगा। तो हेंस एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, दस सी एक बीच का पॉइंट मिला और इस तरीके से मिला कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो हो गया, सिंपल। तो हमने क्या इस थ्योरम में प्रूफ करा, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ इस थ्योरम में प्रूफ क्या किया कि एफ डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एफ डैश बी का अपोजिट साइन है, तो ए बी के अंदर एक सॉरी इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट सी मिला जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि इसको डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, अपोजिट साइन बोला गया था, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया है। एक केस ये भी तो हो सकता था कि ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो वही लिखा हुआ है हमने यहाँ। तो हमने प्रूफ तो कर दिया कि एफ डैश इक्वल टू जीरो है, ठीक है, किसी एक पॉइंट मिला इस तरीके से जिस पर डेरिवेटिव जीरो है। इसी तरीके से अगर हम अपोजिट करके लेते हैं, सिमिलरली वी कैन फाइंड सी बिलोंग्स टू ए बी व्हेन एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश बी पॉजिटिव। अभी जो हमने प्रूफ करा है एफ डैश ए पॉजिटिव और एफ डैश बी नेगेटिव मान करके, इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं जब ये वाला नेगेटिव हो और ये वाला पॉजिटिव हो। इसको बस सिमिलरली आपको लिखना है कि सिमिलरली वी कैन फाइंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी और इस तरीके, और ये कब, व्हेन एफ डैश ए लेस देन जीरो एंड एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि एफ डैश सी जीरो आ जाए। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को कि यहाँ पे हमने क्या बात करा है। सिंपली कह सकते हैं स्टूडेंट कि हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, याद करिए हम स्टेटमेंट पे थोड़ा सा आते हैं जल्दी से, पिटागोरस थ्योरम कहता है क्या कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ एंड पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन अलग अलग है, वही बात है कि एक पर इंक्रीजिंग तो एक पर डिक्रीजिंग या एक पर डिक्रीजिंग तो एक पर इंक्रीजिंग, ऐसे तो एक पॉइंट जरूर बीच में मिलेगा जिस पर फंक्शन का स्लोप जीरो होगा, मतलब उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा। तो मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।